बेबी को ओरल फीड कराने के दौरान हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे बेबी का सर हमें 40 डिग्री तक लेविएट करके रखना है, यानी कि उठा के रखना है, ओके। और आप देख रहे हैं जो पीछे से मैंने बैक सपोर्ट दिया बच्चे को, आधा हाथ जो मेरे उसके सर पे है पीछे बैक साइड से और आधा उसके स्कैपुला पे, तो उसको फुल सपोर्ट देना है बैक साइड से। और जो उसका एयरवे है उसको क्लियर रखना है और स्ट्रेट रखना है ताकि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब बात करेंगे उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में, बच्चे को ओरल फीडिंग कराने के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर बेबी फीड नहीं ले रहा है तो ज़बरदस्ती उसको फीड नहीं देना है। ऐसा होता है कुछ लोग बेबी फीड नहीं लेता फिर भी उसके मुंह में उसको नचोड़ते रहते हैं, जिस वजह से बेबी स्प्रेट कर जाते हैं और उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। होता क्या है, जो दूध होता है वो खाने की नली में ना ले जाके वो सांस की नली में ले जाते हैं और वो फेफड़ों में भर जाता है, जिस वजह से बेबी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि बेबी को क्या प्रॉब्लम हो रही है। बेबी का जो फेस है और जो हैंड और लेग है वो नीला नहीं पड़ना चाहिए। अगर दूध पिलाने के पश्चात अगर ये नीला पड़ रहा है उसका फेस और लिप्स, तो तुरंत ही हमें फीडिंग को स्टॉप करके पीडियाट्रिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ओके। और इसका जो सेकेंड कारण है वो है कि बच्चे दूध पीने के बाद ठीक से डका नहीं ले पाते हैं, ओके। जिस वजह से जो बेबी होते हैं वो वोमिटिंग कर देते हैं और इस वजह से भी एस्पिरेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ओके। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है, बच्चे को दूध पिलाने के बाद अच्छे से हमें डकार दिलाना है जिस वजह से बच्चा वोमिट ना करे, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेबी को डकार दिलाना। बेबी को दूध पिलाने के बाद हम उसको कंधे पे डाल के भी डकार दिला सकते हैं और उसके बैक साइड में धीरे धीरे रब कर सकते हैं। और जो सेकेंड जो तरीका है वो बेबी को हम इस तरह से उठा के और बैक साइड में उसके रब करके उसको डकार दिलाते हैं, जिस वजह से बच्चा डकार ले लेता है और डकार लेने के बाद ही लटा लें ताकि बच्चा वोमिटिंग ना करे, ओके। और लटा लें तो उसका सर जो है थोड़ा ऊंचा रखना है। अगर बच्चा वोमिट कर रहा है तो जो निकोनियम है, जो मतलब जो वोमिट है वो उसको निकाल देना चाहिए और बच्चे को थोड़ी देर के लिए उल्टा कर देना चाहिए, ओके। इसी तरह के मेडिकल नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।